हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल के एडमिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। क्या एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं या नहीं आए? एक नोटिफिकेशन एम्स ने जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में क्या दिखा रखा है आप देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड WEF 16 सितंबर 2021 यानी कि 16 सितंबर से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या ये सही बात है कि आपके एडमिट कार्ड सच में आ गए हैं? आपका एंट्रेंस एग्जाम डेट फिक्स हो गई है या नहीं हुई है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कर लेना और अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। तो आप जैसे एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद, ये ऑफिशियल वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ एक नोटिफिकेशन न्यू में दिखाई देता है। जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर 2021, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, यानी कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें एडमिट कार्ड के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बहुत सारे चैनल पर आपने जाकर भी देखा होगा, सभी ने बता भी रखा है कि एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई अपडेट आ गई है, एडमिट कार्ड आ गए हैं आपके। तो मैं बता दूं, आपके एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं, एडमिट कार्ड जैसे आएंगे आपको मैं वीडियो बनाकर अलग से बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए, ठीक है, क्योंकि इस जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड करके आप सभी के सामने ला रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका पहले एडमिशन हो चुका है एम्स के अंडर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से एप्लीकेशन फॉर, ये आया था नोटिफिकेशन 4 सितंबर को ही नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन अब इसको हवा में बना दिया कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो आपके एडमिट कार्ड बिल्कुल नहीं आए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। ये जिनको अकेडमिक जो एग्जामिनेशन होते हैं, अकेडमिक ईयरली या सेमेस्टर वाइज जो एग्जामिनेशन होते हैं, उनके बारे में नोटिफिकेशन रिलीज किया है एम्स ने। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट लाइक टू अपेयर इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सेप्टेम्बर अक्टूबर, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, यानी कि एग्जामिनेशन फीस के बारे में कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। बैचलर ऑप्टोमेट्री फेज फर्स्ट सेकेंड, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी, इन सभी के लिए जो आया है ये, और डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट फेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनके जो एग्जामिनेशन होने हैं उनके लिए रिलेटेड ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें आपको डेट दे रखी है कि आप पेमेंट, द पेमेंट विल बी सबमिटेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ओनली, 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक आप पेमेंट कर सकते हो। एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन जो डेट रहेगी वो 14 सितंबर रहने वाले, इसके बाद आपकी डेट बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके किसके आने वाले हैं, जो आपका, हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट अप्लाई है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में, यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है। और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अकेडमिक एग्जामिनेशन होने वाला है, उन अकेडमिक एग्जामिनेशन का ही एडमिट कार्ड आने वाला है और कोई एडमिट कार्ड आपके नहीं आने वाले। तो आपको ध्यान रखना है, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं अभी तक, क्योंकि इसका प्रूफ यहाँ देख सकते हो, क्योंकि इसके लिए इनरोलमेंट की जरूरत होती है। और इनरोलमेंट कब होता है, जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद इनरोलमेंट होता है। तो आप सभी का इनरोलमेंट नंबर आपके पास नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते एडमिट कार्ड। तो ये किसके लिए, अकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए ये आया हुआ है। और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई भी अपडेट अभी तक इसकी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। जैसे एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ना कोई अपडेट आएगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। जहां तक लग रहा है 12 सितंबर के बाद ही कुछ अपडेट आ पाएगा, क्योंकि 12 सितंबर तक आपका नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होने, सॉरी, आपका जो इसका एग्जामिनेशन है, नीट का एग्जाम हो रहा है, तो इसके बाद ही आपका कोई ना कोई अपडेट आपको देखने को मिलेगा। जैसे फ्यूचर में कोई अपडेट आता है एम्स से जुड़ा हुआ तो आपको वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा। तो वीडियो आपको कमेंट करके बताना है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक कर देना और उन सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना जिनको इसकी डिमांड थी। धन्यवाद।